बनाएंगे मसालेदार कुनरुत। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं, क्या क्या डाल के। हाँ और कैसे हैं सभी? राम राम प्रणाम। हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग में कुनरू की बहुत ही स्पेशल सब्जी है जो इस तरीके किसी ने बनाया नहीं होगा। तो चलिए फिर देखिए बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग एकदम से फिट फाट होंगे। तो चलिए फिर फटाफट अपने कुनरू की सब्जी को बनाते हैं। तो देखिए क्या क्या डाल के बनाते हैं। ये रहा कुनरू, ताजा फ्रेश एकदम कुनरू है। सबका आगे का पीछे का सब हमने काट दिया है। ढेपुनी चोपी कह लीजिए, हम काट दिए हैं। काटने के बाद में आज कुनरू एकदम स्पेशल तरीके से बनाएंगे। ऐसी कुनरू सब्जी आप सब खाए नहीं होंगे, विश्वास ना है तो पूरा फेसबुक यूट्यूब का वीडियो खंगाल मारिएगा। जो बता रहे हैं अटल सत्य बता रहे हैं। तो चलिए फिर, ये तो हमने कुनरू ले लिया, करीब 1 किलो के लगभग, 3 3 पाव तक कुनरू है। और इसके लिए हम मसाला ले लेंगे। लहसुन ले लिया, प्याज ले लिया, मिर्चा ले लिया, और थोड़ा सा मैंने उबाला था सुबह अदरक, दालचीनी, तेज पत्ता, जीरा, ये सब उबाला था अपने पीने के लिए। तो उसी का ये बचा हुआ छान के उसी में हम इसे डालेंगे, क्योंकि फेंकेंगे नहीं। तो मसाला पीस गया है, अब इसको हम ढक के रख देंगे। तो चलिए देखिए कुनरू का हमें क्या काम करना है, इस पे आते हैं। तो इस तरह से हम कुनरू काट लेंगे। उससे पहले हम गैस को करेंगे ऑन, और ये कढ़ैया हमने चढ़ा दिया। इस कढ़ैया में हम भी सुबह पकौड़ी तले थे, इसकी वजह से यही कढ़ैया चढ़ाएंगे। तो कढ़ैया गर्म होने देते हैं। और हाँ दोस्तों, शुगर पेशेंट को कुनरू कम से कम 3 से 4 दिन हफ्ते में खाना चाहिए, और नॉर्मली इंसान को कम से कम 2 दिन जरूर हफ्ते में खाना चाहिए। कुनरू में वो चीज़ें हैं कि आप सोच नहीं सकते। मुझे तो उतना नहीं है, पढ़े लिखे तो हम उतना जानकारी हमें नहीं है, लेकिन इतनी सारी आयुर्वेदिक इसमें चीज़ें छिपी हुई हैं कि आप सोच नहीं सकते, समझ लीजिए। तो ये ज़रूर खाया करिए। चलिए हमारा तेल गर्म हो गया है, हम तड़का लगाएं पहले फटाफट। जीरा डाल देंगे तड़के में, थोड़ी सी हींग डाल देंगे, ये जो मसाला पीस के रखे हैं इसको डाल देंगे। मिक्सर जार खंगाल के थोड़ा सा 2 चम्मच के करीब पानी डाल देंगे। अब इसमें हल्दी डाल देंगे हम, थोड़ा सा लाल मिर्चा डाल देंगे, थोड़ा सा तीखा वाला डाल देंगे, और थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। मसाले को बढ़िया से हमें भूनना है। मसाले को पकने देते हैं धीमी आंच पे, तब तक हम अपना कुंदरू पूरा फाइनल कर दें। तो मसाला बहुत अच्छे से अब भुन गया है दोस्तों। अब इसी में हमें इस कुंदरू को डाल देना है। यकीन मानिए ऐसे कुंदरू खाए नहीं होंगे। अभी रुकिए, तो अभी तो ये शुरू हुआ है। अब इसको बढ़िया से हमें चला देना है, क्योंकि अभी मुझे थोड़ा और काटना है, तो इसलिए इसको हम कुछ और कर भी नहीं सकते। थोड़ा सा और काटना है। अब इसको खूब बढ़िया से हम कवर करके ढक देते हैं, पकने देते हैं, तब तक सत्तू बहुत बेरहन बना लेते हैं। तो फिर कैसी लगी हमारी सब्जी कुनरू मसाला? तो देखिए एकदम से गल की कितना बढ़िया एकदम रेडी है। देखिए जिसको भी काटिए सब एकदम आसानी से कट जा रहे हैं, गल जा रहे हैं। तो बहुत ही टेस्टी अम्मी बनती है, ऐसे बनाए खाए। जैसे घर में अगर कोई चीज़ें ना हो तो आप कुनरू का भी मसालेदार बढ़िया सब्जी बना सकते हैं। तो फिर हमारा फर्स्ट क्लास कुनरू की सब्जी मसालेदार बिल्कुल रेडी है। और बेसन का यानी सत्तू का पराठा, पराठा नहीं बिरहिन कहेंगे, तैयार है। और ये हमारा आम का कटपीस अचार। तो कैसा लगा दोस्तों, बताइएगा ज़रूर। तो खाना हमारा सब बिल्कुल रेडी है, चलिए फटाफट।